जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आप सभी को पुरानी गोकुल धाम से श्री कृष्ण के घर के दर्शन कराने आया हूँ। जी हाँ, श्री कृष्ण के घर के दर्शन कराने आया हूँ। आप देख सकते हैं प्राचीन जन्म स्थान श्री नंद भवन 84 खंबा पुरानी गोकुल। मैं आपको बता दूँ, श्री कृष्ण भगवान का जब मथुरा में जन्म हुआ था तो सर्वप्रथम वासुदेव जी महाराज श्री कृष्ण भगवान को नंद भवन लेकर आए थे। जी हाँ, इसे नंद भवन भी कहा जाता है, नंद महल भी कहा जाता है और 84 खंबा भी कहा जाता है। मैं आपको 84 खंबे के रहस्य के बारे में भी बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको उस पेड़ के दर्शन करा देता हूं जो कि श्री कृष्ण के जमाने का है। जी हां, श्री कृष्ण के जमाने का है। आप देख सकते हैं यही वह पेड़ है जो कि श्री कृष्ण के जमाने का है। इस पेड़ का नाम पारस पीपल है। कार्तिक के महीने में यानी दीपावली के आसपास इस पेड़ पर 5 रंग का फूल आता है और फूल आने के बाद फल भी आता है। बताया जाता है कि जिस माता को संतान नहीं है, अगर वह माता इस पेड़ पर लगने के वाले फल को खा लेती है तो उसे जल्द ही संतान प्राप्ति मिल जाती है। अब मैं आपको गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल स्वरूप में गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से भगवान गोवर्धन पर्वत को जब उठाने गए तो यह वृक्ष रोने लगा। तब भगवान ने इस पेड़ को आशीर्वाद दिया कि तुम आगे खूब फूलोगे फलोगे, तुम्हारी मान्यता होगी, तभी से यहाँ इनकी मान्यता है। अब मैं आपको शंकर भगवान जी के दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखते जाएं। अब मैं आपको शिव शंकर जी के दर्शन करा रहा हूँ। देख सकते हैं कितने दिव्य और कितने अद्भुत और कितने अलौकिक दर्शन हैं। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 84 खंबा विराजमान हैं जो कि 80 खंबे विश्वकर्मा जी ने लगाए थे और 4 खंबे ब्रह्मा जी ने लगाए थे। आज कितना भव्य मौका मिला है कि आज विश्वकर्मा जयंती भी है और मैं विश्वकर्मा जी के द्वारा लगाए गए 84 खंबा के दर्शन कराने भी आया हूँ। आप देख सकते हैं 84 खंबा, मैं अंदर जाने वाला हूँ, मैं आपको 84 खंबे के दर्शन कराने वाला हूँ। जी हाँ, 84 खंबा के दर्शन कराने वाला हूँ। मैं आपको सर्वप्रथम उस स्थान को दिखा देता हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की छठी पूजी थी। हाँ, देख सकते हैं मैं आपको कितने अद्भुत और कितने दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। सभी भक्तों से विनती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेज देना ताकि और भी भक्त लोग दर्शन लाभ ले सकें और यहाँ के बारे में जान सकें। अब मैं आपको 84 खंबे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 84 खंबे लगे हुए हैं, इसी प्रकार के खंबे लगे हुए हैं और इन 84 खंबों का यह रहस्य है कि कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी या कोई भी भक्त इन 84 खंबों को गिन नहीं पाता है। या तो एक खंबा ज़्यादा बैठ जाता है या एक खंबा कम बैठ जाता है। मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण भगवान अपनी माता पिता को गोकुल में ही 4 धाम की यात्रा का सुख देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा से कहा था कि उनके घर में 84 खंबा लगा दें। इस पर विश्वकर्मा जी ने कहा था कि इन खंबों को कलयुग में कोई भी गिन नहीं पाएगा, इसलिए कोई भी आज तक इनको गिन नहीं पाया है। जी हाँ, कोई भी गिन नहीं पाया है। मैं आपको यशोदा मैया के दर्शन करा देता हूँ जहाँ पर यशोदा मैया दही को मथ रही हैं, यानी कि छाछ चला रही हैं। आप देख सकते हैं कितने अद्भुत और कितने अलौकिक दर्शन हैं। इस मंदिर के जो भी दर्शन करता है उसे 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। मैं आपको उन 4 खंभों के भी दर्शन कराऊंगा जिन्हें ब्रह्मा जी ने बनाया था, जिन्हें ब्रह्मा जी ने लगाया था। सभी भक्तों से विनती है, वीडियो को आगे भेजते रहें ताकि और भी भक्त लोग दर्शन लाभ ले सकें और यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखते जाएं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप खंभों के दर्शन करते जा रहे हैं। 84 खंभे हैं लेकिन कोई गिन नहीं पाता है। मैं आपको उन खंभों के दर्शन करा देता हूँ जो कि ब्रह्मा जी ने बनाए थे, ब्रह्मा जी ने लगाए थे। जी हाँ, अब आप जो रहे हैं जिन पर चीर लिपटी हुई है, ये जो 4 खंभे हैं जिन पर चीर लिपटी हुई है, ये ब्रह्मा जी ने लगाए थे। ये जो 4 खंभे हैं, एक द्वापर युग है, एक त्रेता युग है और एक सतयुग है और एक कलयुग है। जी हाँ, 4 युग हैं, 4 खंभे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखते जाए। मैं आपको हाथ लगाकर बता रहा हूँ, ये जो 4 खंभे हैं यही वह 4 खंभे हैं जो कि 4 युग हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये जो खम्भे हैं चिकने भी हैं, बहुत ज़्यादा चिकने हैं। इन पर अगर आप हाथ रखोगे तो आपका हाथ फिसल जाएगा, क्योंकि जब कन्हैया छोटे थे तो यशोदा मैया जब माखन उन्हें खिलाया करती थी तो अपने माखन के हाथों को इन्हीं खम्भों से
पहुंच देते थे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो ऊपर हाथ करके बता रहा हूं, यहां पर यशोदा माता दीपक जलाया करती थी, क्योंकि पहले लाइट का जो कोई सिस्टम नहीं था तो यहां पर दीपक जलाया करती थी, 84 दीपक जलते थे ताकि यहां पर उजाला रह सके। मैं आपको दूसरे गेट पर लेकर जाता हूं ताकि आपको और अच्छे से दर्शन करा सकूं। यहां पर श्री यशोदा मैया श्री कृष्ण जी का पालना भी था। हाँ जी, यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को पालने में झुलाया करती थी। मैं आपको उस पालने के भी दर्शन कराऊंगा जहाँ पर पालना लगा हुआ था। मैं अब दूसरे गेट पर आ चुका हूँ, अंदर जा रहा हूँ, मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर खम्भे ही खम्भे हैं, 84 खम्भे हैं। इन 84 खम्भों को कोई भी गिन नहीं पाता है। मैं आपको बता दूँ, ये जो दाऊजी महाराज की जन्म स्थली भी है, दाऊजी महाराज जी का भी जन्म यहीं पर हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना, दाऊजी महाराज जी का भी जन्म यहीं पर हुआ था। मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान का पालना कहाँ पर हुआ करता था। आप जो देख रहे हैं, मैं आपको कैमरा ऊपर करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। यहाँ जी, यहीं पर श्री कृष्ण भगवान का पालना लगा हुआ था। आप देख सकते हैं, पहले ये डायमंड और हीरों से जड़ा हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने यहाँ से सारे डायमंड हीरे मोती निकाल लिए, क्योंकि औरंगजेब ने हमारे सनातन धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप देख सकते हैं, ये खम्भे कहीं कहीं से छीड़ भी हुए पड़े हुए हैं, टूटे भी पड़े हुए हैं। उसे लगा कि खम्भों में भी शायद हीरे होंगे, तो इसलिए उसने इन खम्भों को भी तोड़ना चाहा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ कलाकृतियाँ खम्भों पर बनी हुई हैं, बहुत ही अद्भुत कलाकृतियाँ हैं। आप देख सकते हैं, ये भी टूटी हुई पड़ी है। हाँ, आप देख रहे हैं, ये टूटी हुई पड़ी है, औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया था। जी हाँ, औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया था। सभी भक्तों से विनती है, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखते जाएं। मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य दर्शन है। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य दर्शन है। आप देख रहे होंगे, ये खम्भे जो हैं काले पड़े हुए हैं, ये धुएं से काले हो गए थे। जब यशोदा माता यहाँ पर अपना चूल्हा जलाया करती थी, तो ये जो खम्भे हैं धुएं से काले हो गए। और देख सकते हैं कितनी अद्भुत कलाकृतियाँ इन खम्भों पर बनी हुई हैं। हमारे सनातन धर्म को औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अपने सनातन धर्म का प्रचार करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो ताकि और भी भक्त लोग दर्शन लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के बारे में जान सकें। अब मैं आपको हाव बिलाव के भी दर्शन कराऊँगा, हाव बिलाव दिखाऊँगा, जो कि यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को डराया करती थी। जी हाँ, यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को डराया करती थी। आप देख सकते हैं, यही वह हाव बिलाव है जिसे यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को डराया करती थी। अब मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहा हूं। जी हां, मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कितने अद्भुत और कितने दिव्य दर्शन हैं। जी हां, कितने अद्भुत और कितने दिव्य दर्शन हैं। यहां पर मेरे ठाकुर जी का वास है, बलराम जी का वास है, और यहां पर नंद बाबा और रेवती मैया का भी वास है। मैं आपको बता दूं, आपको जो मैं दाऊजी महाराज जी की मूर्ति दिखा रहा हूं, ये स्वयं प्रकट मूर्ति है। जी हां, स्वयं प्रकट मूर्ति है। और जो बाकी की जो मूर्तियां, जो बाकी के दर्शन हैं, वह करीब 150 साल पुराने हैं, उनको यहां पर स्थापित किया गया है। बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य दर्शन है। देख सकते हैं मेरे ठाकुर जी पालने में झूल रहे हैं, जो भी यहां पर आकर इन ठाकुर जी को झूला झुलाता है उसका जो है जीवन उद्धार हो जाता है, उसकी नैया पार हो जाती है। अब मैं अपनी वीडियो को विराम देने वाला हूं, उससे पहले सभी भक्तों से विनती है, वीडियो को इतना फैला देना ताकि और भी भक्त लोग दर्शन लाभ ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।